जी हाँ, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेशी युवती को फेसबुक पर किराए के लिए अपार्टमेंट ढूंढना महंगा पड़ गया। स्पेन की रहने वाली एक 28 वर्षीय युवती ने फेसबुक पर एक अनजाने नाम के शख्स से दोस्ती करी। अनजाने ने फ्लैट किराए पर दिलाने के लिए फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जिसके जरिए दोनों संपर्क में आए। 12 जून को पीड़ित युवती ने आरोपी से संपर्क किया तो आरोपी ने युवती को डीएलएफ फेज 1 के जी ब्लॉक के इसी 1832 नंबर मकान में पार्टी के लिए बुलाया। युवती 14 जून की रात डीएलएफ में आई और 5 लोगों ने मिलकर पार्टी की। अनजाने दोस्त पार्टी करने के बाद अपने अपने घर चले गए, लेकिन आरोपी युवक ने युवती को जबरदस्ती अपने पास रोक लिया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे युवती ने गुरुग्राम पुलिस कंट्रोल रूम में रेप की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर युवती ने के बयानों के आधार पर आरोपी अनजाने के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये एक विदेशी युवती है जो कि इंटर्नशिप के लिए यहाँ आई हुई है गुड़गांव में, और वीज़ा पे आई है, जो वीज़ा के ऊपर आई हुई थी। तो इसकी 2 दिन पहले एक लड़का है, उसके साथ दोस्ती हो गई फेसबुक पे। लड़की को अपार्टमेंट की ज़रूरत थी और लड़की की तरफ से कोई फेसबुक पे डाला गया था, पोस्ट डाली गई थी कि मेरे पास अवेलेबल है, तो उसने रूम अपना खाली करना था और इस लड़की को ज़रूरत थी। तो फिर 13 तारीख को उस लड़के ने लड़की को पार्टी के लिए बुलाया, ऑफर किया पार्टी। लड़की आ गई 14 तारीख को और पार्टी वगैरह की, खाना पीना खाया। तो उसी दौरान रात को तो लड़की ने लीस लगाया कि लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की, बलात्कार किया है। आरोपी मूल रूप से दिल्ली के आनंद विहार का रहने वाला है और उद्योग विहार की एक प्रोडक्शन कंपनी में बतौर असिस्टेंट मैनेजर काम करता है। पीड़ित युवती स्पेन की रहने वाली है और गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में इंटर्नशिप करने भारत आई हुई है।